राधा रानी बड़ी सयानी। अरे भाई पता तो चले कि खफा किस बात पर हो, रोटने की वजह नहीं बताओगी तो मनाऊंगा कैसे? मान कैसे जाऊं? पता है मैं रात भर जागती रही, रोती रही, खुदा गई हूँ ना बिन बुलाए, इसलिए। धत तेरे की, इतनी सी बात पर अंजिता हो गई? अरे भाई अपने घर आने के लिए छपे हुए इन्विटेशन कार्ड की जरूरत पड़ती है क्या? अगर तुम लापता ना हो गई होती तो अब तक इस घर में पुरानी हो चुकी होती। चलो जल्दी से मुस्कुरा दो अभी, बी अ गुड गर्ल। जब मुस्कुराना आएगा तब मुस्कुराऊंगी। देखो राधा बात यह कि वो कल रात बुरा फंस गया इसीलिए ना आ सका, अब कम से कम महीना दो महीना डबल शिफ्ट करूंगा तब जाकर काम काबू में आएगा। आधा बर्द भाईजान, आधा बर्द, आधा बर्द, आधा बर्द। आओ जो मेरा थी। राधा इनसे पूछ लो, अरे भाई मेरी डबल शिफ्ट कल से चलेगी नहीं? आसमां सख्त दूर है जमी, दो दो शिफ्ट चलेंगी कैसे नहीं? पर तुम इस वक्त यहाँ कैसे? अरे भाई कहना ये है कि इतना काम करने की जरूरत क्या है, सेहत खराब कर लोगे, जवाब दो। और क्या, एक एक मिनट का हिसाब दो, मैं भूखा हूँ, मुझको एक कबाब दो। माल माल माल, क्या करोगे इतना माल कमा कर? जीने का मजा प्यार में है या माल में है? ओ जुमेराती तू किस हाल में है, शेर लोहे के जाल में है। बंद करो ये नाटक बोलना यार। जो कम, अब पूछना ये है कि आपको ऑफिस चलना है या नहीं? नहीं। ओ ठीक है मैं चलता हूँ। वो तो चला गया, अब तो आराम से बैठो। पहले ये देखो कि उसके साथ कोई है तो नहीं। देख लिया खान साहब, अब उसके पास जाओ। गया। पहले गला साफ करो। वो पलट कर देखेगी, तुम मुस्कुराओ। अगर वो भी मुस्कुराए तो समझ लो कि काम बन गया। उसका हाथ थाम लो धीरे से। क्या हुआ शागिर? उस्ताद दिन वीरान है, रात सुनसान है, लगता है इश्क का अरमान लिए दुनिया से गुजर जाएंगे, यानी मर जाएंगे। उस्ताद आपका नुस्खा नंबर 4 भी बेकार गया, वो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार गया। कौन है वो? उसका बाप साला पहलवान है। फिर तो कोई ऐसी लड़की तलाश करनी पड़ेगी जिसके घर में बाप का चक्कर ही ना हो अल्लाह के फजल से, और अगर बाप हो तो पहलवान ना हो। मियां कुछ पैसे खर्च करो, जेम्स बॉन्ड बनो। हैं? सनमा से कोई खूबसूरत लड़की बाहर निकले, उस पर किराए के गुंडे लगा दो, फिर उन गुंडों से उस हसीना को बचा लो अल्लाह के फजल से। मगर ये सारा काम हसीना के घर के आसपास होना चाहिए। क्यों? ताकि वो तुम्हें मरहम पट्टी के लिए घर ले जाए, और जब घर ले जाए तो समझ लो कि मछली ने चारा खा लिया। सच? और नहीं तो क्या, फायदा न हो तो दाम वापस। दाम? मियां ये नुस्खा तो अल्लाह माफ करे वालिदे मरहूम राजाओं महाराजाओं के हाथ 5,000 रुपए में बेचते थे। तुम 5 ही दे दो अल्लाह के फजल। अरे लीजिए तो मैं चला, पिक्चर शुरू होने से पहले कुछ गुंडों का बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। है, है। राधा मुझे सोने दो, मैं सपने देख रही हूँ। पिछले 4 साल में जिन सपनों को मैं मुमकिन समझकर देखती रही वो नामुमकिन साबित होते गए। अब जब एक सपना मुमकिन हुआ है तो उसका पूरा मजा तो ले लेने दो। तो तुम्हारा क्या इरादा है, उन 4 साल की कसर आज ही पूरी कर लोगी? क्यों ना करूं? ये घर मेरा स्वर्ग है,
इस गोद में मेरा सुख है। जी चाहता है मैं तुम्हारी गोद में लेटे लेटे सपने देखती रहूं और तुम इसी तरह मेरा माथा सहलाते रहो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम उठो और मुझे जाने दो। अरे कहाँ? अपने मैनेजिंग पार्टनर के पास। अगर मैं टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचा तो वो आसमान सर पर उठा लेगा। ओफो, मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर, तुम इस घर को घर थोड़े ही समझते हो। ये घर तो हो गया तुम्हारे लिए ऑफिस, जहाँ सवेरे शाम सिर्फ दो घंटे हाजिरी देने के लिए आते हो, और वो ऑफिस हो गया तुम्हारे लिए घर, जहाँ तुम रात दिन बिताते हो। हाँ मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरी बात तो सुनो, मेरी नौकरी का सवाल है। फूल सजा रही है। अरे ये फूल सजाने से क्या होगा, ये तो मुरझा जाते हैं। न जाने मर्द घर देर से क्यों लौटते हैं। आपको तो आंट से अनकहने की आदत पड़ गई है। अच्छा पापा, आगे से मुंह सिलूंगी बस। अरे बाप रे, ये क्या बात ही है कि वो नहीं, ये ना वो नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं दो मिनट की धींगा मुश्ती के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे तुम्हारा बदन नहीं, अपना घर चाहिए। अरे यार, एक बार कह दिया ना कि तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा तो मान लो भरूंगा। हाँ भरोसा करो यार। भरोसा ना होता तो यहाँ ना रहती। पर राम, दिन भर घर में पड़े पड़े उगता जाती हूँ, तो अपनी झल्लाहट तुम पर ना उतारू तो किस पर उतारू। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपने मैनेजिंग पार्टनर को इंतजार तो नहीं करवा सकता ना, डबल शिफ्ट से जान छुड़वाने की नहीं। हाँ देखो 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 देखो, रूठना नहीं। हाँ मुस्कुरा दो। कल पिकनिक पर चलेंगे। ओके बाय। सीता बैठे बैठे आंख लगी थी। पर आंख बिस्तर पर क्यों नहीं लगी? हा? मैं फोन करना चाह रहा था पर वहां फोन नहीं था। तुम तो जानती हो आजकल मैं कैसी मुसीबत में हूँ। मैंने क्या शिकायत की? तुमने मुझे कभी यूं इंतजार करवाया नहीं ना, तो मुझे ठीक से इंतजार करना आता नहीं। शायद इसीलिए आंख लगी थी। तुम हाथ में धोला, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। सुनो, इसीलिए तो फोन करना चाह रहा था। वो स्लीपिंग पार्टनर है ना, उसने बहुत जिद की। अपना सर तो ओखली में है, उसको खफा नहीं कर सकता था, इसलिए उसके साथ मजबूरन खाने पर बैठना पड़ा। I am sorry सीता। मैं तुम्हारे बिजनेस के मामले में कभी कुछ बोलती नहीं रहा, मुझ में बिजनेस की समझ नहीं, पर मुझ में अपनी जिंदगी की समझ है। तुम्हारे पार्टनर को मेरी जिंदगी में दखल देना नहीं चाहिए, ये बात तुम उसे समझा देना। सीता तुम तो खा लो। मैं तुम्हारे बिना खाना खाने की आदत डालना नहीं चाहती। या तो इतना प्यार दिया ही ना होता। आप दिया है तो मुख तो रखो। अच्छा बहुत मजेदार पिक्चर रविया। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अच्छा गो गो गो। इतनी जल्दी क्या है मेरी जान? लड़की को छोड़ दो।
देखो कौन है। अकेली अकेली देख के अभी तुम अगर आज आप नहीं होते तो मुझे तो होना ही था। आपकी जान मुसीबत में हो तो मुझे तो जान पर खेल कर आना ही पड़ेगा ना। सो आ गया। क्या खड़ा नहीं हुआ जा रहा? मेरा घर करीबी है, थोड़ी देर के लिए चलिए, मैं सेक दूंगी। आप सेक देंगे जी? तो ले चलिए ले चलिए। कितना मीठा मीठा दर्द है और आपके नरम नरम हाथों से ये दर्द और भी बढ़ जाता है। क्या कर रहे हैं? इश्क मोहब्बत मेरी जान, इश्क मोहब्बत। अरे ये बकरा तो उर्दू भी समझता है। उस्ताद उन आँखों को पीने को जी चाहता है, मेरा अब तो जीने को जी चाहता है। मान गए उस्ताद, मान गए। हाय 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 हाय, तुमने हमें बना दिया फरहाद। शेर सुनाए। हाय हाय हाय, क्या गुलाबी गाल है, मदमाती चाल है और नाम है कबीहा। क्या नाम बतलाया? सबीहा। सबीहा कहाँ रहती है वो? 104 मजनू का टीला। हाय 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 हाय, मोहल्ला भी क्या चुना है मेरी जान ने। मेरे दिल की मुस्तकिल मेहमान का बाप है, मगर साला है शतरंज का धत्ती। दफ्तर से शतरंज खेलने को चला जाता, वो खुद बोली रोज शाम को 6 से 9 बजे तक मिला करेंगे। और अगर कहीं किसी रोज बाप सवेरे आ गया अल्लाह के फजल से? ओह, उसके बारे में तो सोचा भी नहीं। उस्ताद बताओ ना कोई नुस्खा। अगले शनिचर। शनिचर के दिन बाप पलंग के नीचे नहीं देखता, अगर वो आ जाए तो तुम पलंग के नीचे घुस जाना, बाकी मैं देख लूंगा अल्लाह के फजल से। आप? तुम्हारा उस्ताद हूं ना, मेरा दिल मेरा दिमाग मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और शनिचर बड़ा मुबारक दिन होता है।